ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार होगा कि जब जजेस, एडवोकेट और पुलिस के सामने चोरी हो रही थी और सब बस देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये दो कपल ने पुलिस की ऐसी क्लास लगाई कि पुलिस वाले कभी भूलेंगे नहीं। एमिटी एक बार फिर चर्चा में है। हर बार की तरह कुछ ना कुछ यहाँ भी वायरल हो गया है। बाइक सवार इन मंचलों को अब यूपी पुलिस ठीक करेगी। नमस्कार, मैं प्रवेश पांडे और आप देख रहे हैं लफड़ा वायरल है। ये क्राइम तक का नया सेगमेंट है। इसमें मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडियाओं पे जो वीडियो वायरल हो रही हैं क्राइम से रिलेटेड हैं और ऐसी हैं कि जो दर्शक डाल रहे हैं उन पे बात करूंगा, उनकी सच्चाई बताऊंगा और वो आप तक लेके आऊंगा। तो जैसे कि मैंने पहली स्टोरी बताई सुप्रीम कोर्ट वाली, ये जो एक वीडियो है बड़ा वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस खड़े हैं, एडवोकेट्स खड़े हैं और पुलिस वाले खड़े हैं। उस बीच एक बंदर आता है, जैसे कि आपको वीडियो और फोटोग्राफ्स में दिखेगा कि एक बंदर आता है और एक एडवोकेट, सज्जन एडवोकेट का बैग ले लेता है। बैग लेने के बाद उसमें से वो यहाँ वहाँ देखता है और उस बैग को लेके साइड में रख देता है। सब एडवोकेट्स देखते हैं कि भाई ये बंदर करना क्या चाहता है। वो बंदर बेचारा भूखा था और वो अपने एक दोस्त के साथ आया है। उस दोस्त को भी उसने अपने साइड में बिठा रखा है। उसने उस बैग में से लंच बॉक्स निकाला और लंच बॉक्स में से कुछ खाने की कोशिश की पर वो खा नहीं पाया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा था और सब जितने भी एडवोकेट्स, जज और पुलिस वाले थे, ये बड़े प्यार से बैठ के उस बंदर को खाते हुए देख रहे थे और उस बंदर को देख रहे थे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो को हिंदुस्तान पोस्ट नाम के एक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया है। इस पर कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, रीट्वीट भी हो रहे हैं और खूब ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। लोग इस पर हंस भी रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्राइम क्या है? क्राइम तो नहीं, बट आने वाली खबर में क्राइम है जिसे हम सब तो देखते हैं आसपास, लेकिन किसमें हिम्मत नहीं होती कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे आसपास ऐसा बहुत बार होता है कि अगर पुलिस कोई गलत काम कर रही हो तो हम उसे टोकते नहीं। हम पुलिस वालों को कभी नहीं टोकते कि भैया आप ये गलत काम कर रहे हो। ये दो कबले, इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई। इन्होंने किया क्या, पुलिस वाले अपनी पुलिस वैन से पिचकारी मार रहे थे, यानी थूक रहे थे। अब ये दो कपल ने इन्हें देख लिया और कपल ने उनकी गाड़ी रुकाई, पुलिस वैन रुकाई और पुलिस वाले को देखा और कहा, क्या इसी तरह से अगर हम आपके ऊपर थूक देते तो आप क्या करते? पुलिस वाले से कुछ कहा नहीं जा रहा था, कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो बस सुन रहे थे। और पुलिस वालों की बहुत अच्छी क्लास लगाई। ये वीडियो नागपुर का है और ये वैसे वीडियो 3 तारीख का है, लेकिन वायरल अब ज़्यादा काफ़ी हो रहा है। इसे घर का कलेश नाम के ट्विटर हैंडल ने वायरल किया है। वैसे हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, मैं देखता हूँ। एक बार मैंने देखा था, एक पुलिस वाला जस्ट मेरे बाजू में सिग्नल पे था, उसने हेलमेट नहीं पहना था और मैं उसे देख के स्माइल किया जा रहा था और बाकी लोग भी उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि भैया आपका हेलमेट कहाँ है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिसमें पुलिस वाले खुद कानून तोड़ते हैं, लेकिन उनसे पूछने वाला, सवाल करने वाला कोई नहीं होता। हर किसी को यही चिंता होती है कि भाई क्यों पंगा लेना, और ये कपल ने पंगा लेने की कोशिश की और ये बड़ा वायरल हुआ जा रहा है। सब लोग लिख रहे कमेंट्स में, लोग काफ़ी कह रहे हैं कि अच्छा किया, इसी तरह से इन्हें बताना चाहिए, ये खुद दूसरों को लॉ बताते हैं, इन्हें कानून सिखाया आपने, बहुत अच्छा किया। सब लोग कपल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जो तीसरा वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो हर बार चर्चा का विषय बना होता है। एनिमिटी यूनिवर्सिटी, ये नोएडा का बड़ा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये हर बार चर्चा का विषय इसलिए, मतलब फेमस इसलिए और जो वायरल इसलिए होता रहता है अपनी लड़ाई झगड़ों के लिए। वहाँ के लड़के हुड़दंगबाजी, कभी हीरोपंती के चक्कर में, कभी कार तेज़ी से कार भगाना, कभी स्टंट करना, ये सब चीज़ों के लिए बड़ा वायरल होता है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है मारपीट, कैंपस के अंदर मारपीट। तो क्या था, थर्ड ईयर के बच्चे थे, ये जो फोटोज़ देख रहे हैं थर्ड ईयर के बच्चे थे, इन्होंने कैंपस के अंदर लड़ाई कर ली और वो भी सेकेंड ईयर के एक लड़के के साथ, किसी बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई। फिर क्या था, जो कैंपस था वो रणभूमि बन गया और सब लोग मिलके लड़ाई करने लगे। एक लड़के को गिरा गिरा के 3 लोग पीट रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने एक्शन तो लिया, जैसे हर बार लेते हैं, एमिटी वाले तो एक्शन लेते ही हैं, तो उन 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने भी उन 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, उनके ऊपर केस बनाया जाएगा। लेकिन देखिए कितनी सोचने वाली बात है कि जहां कुछ कॉलेजेस का नाम अच्छी चीज़ों के लिए होता है, तो बार बार एक ही कॉलेज का नाम नेगेटिव चीज़ों के लिए क्यों वायरल होता है? आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, पुलिस भी परेशान होती है, ओवर स्पीडिंग के बहुत केसेस आते हैं, वहाँ बच्चे स्टंट्स करते हैं। मेरे आंखों के सामने, क्योंकि यहाँ से दूर नहीं है नोएडा ऑफिस से, जो MIT यूनिवर्सिटी में, वहाँ खुद गया था तो मैंने देखा कि काले शीशे, काली गाड़ी, तेज़ म्यूज़िक और तेज़ी से भगा रहे हैं। तो
पुलिस को भी बहुत स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, रेगुलर राउंड अप वहाँ सब चीज़। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ बड़े बाप के औलाद आते हैं तो इसलिए ऐसा है, लेकिन नहीं है। हर तरह के स्टूडेंट से, हर तरह के स्टूडेंट है, सब लड़ाई नहीं करना चाहते। कुछ लोगों की वजह से अगर कॉलेज बदनाम हो रहा है तो इसको कॉलेज को भी देखने की ज़रूरत है कि कॉलेज कैंपस में क्या कुछ हो रहा है। जो चौथी खबर है ये थोड़ी सी मतलब परेशान करने वाली खबर है। जिस तरह हम कहते हैं कि यूपी में अब महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और अब किसी की हिम्मत नहीं, पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि कोई लड़का कोई गुस्ताखी कर दे, लेकिन ये मामला देखने के बाद तो नहीं। हरदोई से एक वीडियो सामने आ रहा है, तीन लड़कियां स्कूल से अपने घर जा रही हैं, अपने घर तो जा रही हैं, एक लड़का बाइक से आता है और लड़की का दुपट्टा खींच के लेके जाता है। अब सोचिए वो वीडियो जो है सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है अब, और बच्चियां मतलब कितनी डर गई थी। बच्चियां अपने घर पे जाके अपने माता पिता को ये इस वारदात के बारे में बताती हैं, लेकिन पेरेंट्स भी डर के मारे ना जाते कंप्लेंट करने, ना अपनी बात किसी से बताते। अब इसमें होता क्या है कि पुलिस को ये वीडियो मिलता है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाता है, फिर पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस पिता को ढूंढ के निकालती है कि इसकी बेटी के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है। फिर पिता कहता है कि नहीं मुझे कंप्लेंट नहीं करनी थी इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की, तो पुलिस ने नहीं कहा नहीं आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, आप कंप्लेंट कीजिए हम आरोपी को पकड़ते। अब पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है और यूपी पुलिस का तो सीधा हिसाब है, अगर आप महिलाओं के साथ कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो पुलिस तो आपको अच्छा सबक सिखाएगी, और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना ज़रूरी भी है क्योंकि महिलाएं बच्चियां इन्हीं के वजह से डर से घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो आज के लिए तो इतना ही था, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसी वायरल वीडियो जो थोड़ी क्राइम से रिलेटेड हो, आपके आसपास कुछ हो रहा है, उसमें आप हमें हमारा ट्विटर हैंडल जो क्राइम तक का है उसे टैग कीजिए, फेसबुक पे तो फेसबुक पे क्राइम तक को टैग कीजिए, और हमें मेल कीजिए, बताइए अगर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियो है तो उसका लिंक हमें शेयर कीजिए। क्राइम तक की मेल आईडी जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी आपको। और बॉस कहते हैं कि क्राइम तक हमारी फैमिली है, जो व्यूअर्स से हमारी फैमिली है, तो मैं हमारी फैमिली से चाहूँगा कि वो सुझाव दें, इस वीडियो पर सुझाव दें, और भी आइडियाज़ बताएं और चीज़ें बताएं, और क्या टॉपिक्स हम ले सकते हैं, कहाँ की वीडियो वायरल हो रही है, किस टॉपिक पे बात करना है, तो आपके रिप्लाई का वेट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।